2 दिन, जी हाँ 2 दिन हो गए हैं इन लोगों ने पानी की एक बूंद नहीं पी है। आइए जानते हैं ये ऐसी जानलेवा जिद क्यों कर रहे हैं। अरमान अली जी, हम जिद नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे। ऊपर से करोड़ों रुपए की गंगा निकलती है, लेकिन नीचे आने तक गरीब के चिल्लू में एक खतरा पानी भी नहीं आता। और वो लोग क्या बोलते कि जो भी है जैसा भी है कबूल करो, हम क्यों कबूल करें? मुस्कान अली जी, आप सही कह रहे हैं। आज हमारी बौरी चुरा ली, कल को हमारा उस्मान सागर चुरा लेंगे, फिर धीरे धीरे दरिया समुद्र सब चुरा लेंगे, और फिर वो पानी बोतल में भर के औने पौने दाम में हम खुश वापस बेचेंगे। हम ऐसा क्यों उन्हें देंगे? आरिफ अली जी, इनकी तो बावड़ी चोरी हुई है, पर आप इस केस में इतने इन्वॉल्व क्यों हैं? इंसानियत के नाते। लगता है इन प्यासों की प्यास रंग लाएगी। आज इसी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा होने की उम्मीद है। हैदराबाद ब्यूरो जी न्यूज से मैं रश्मि, कैमरामैन सिद्धार्थ। मेरे को कुछ और बोलना है। मुझे ये बोलना है कि मैं इस बावड़ी के पीछे मैं बहुत भागा, लोगों को बहुत इज्जत दिखाया, मैंने डर डर के बात किया, लोगों ने वादे किए और वादे तोड़े भी। अब मैं सोचता हूं ऐसे बगैरत लोगों से मैं क्यों डरूं? मैं अल्लाह ताला बोलते हैं कि अरमान अली, मक्कारों से कभी मत डरो, डरो तो अपने आप से, और डरो तो डर डर के जिंदा रहने से। जी न्यूज़ के लिए मैं रश्मि, कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ। माननीय स्पीकर साहब, मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां मुर्गियों की चोरी नहीं हुई है, बौड़ियों की चोरी हुई है, बौड़ियों की। मंत्री जवाब दे कि बौड़ियों का चोर कौन है और कहां छुपा बैठा है। विपक्ष के नेता माननीय श्री मणिगोपाल राजू जब स्वयं सत्ता में थे तो इनके ऊपर रोजगार गारंटी योजना के करोड़ों रुपए खाने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से इनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बावड़ियों की चोरी करवाई है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मानिवर, ये कैसा हो सकता है? मानिवर, इसे बताइए कि क्यों नहीं हो सकता, जब एक इमारत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, प्रभु श्री राम के जमाने के पुल को शिफ्ट करने की योजना बन रही है, तो फिर बावड़ियों की चोरी करवाने में कौन सी बड़ी बात है? माननीय स्पीकर साहब, सिंचाई मंत्री जी बावड़ियों की चोरी पर CBI की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? बाहर से सरकार को सपोर्ट करने वाली ये लाल इमली पार्टी खामोश क्यों बैठी है? मैं तो कहता हूँ इस काफले में ये भी शामिल है। देखिए, बैठिए बैठिए, हाउस का नियम होता है, बैठ जाइए बैठ जाइए। के एस सुधाकर राव ने, मामला खत्म नहीं हुआ, तुम कितने दिन ऐसे बिना पानी रहेंगे? इन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बावड़ियों की चोरी। मजा समझ के रहो मुस्कान। असेंबली में हुए हंगामे के बाद सरकार को समर्थन दे रही लाल इमली पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार ने CBI की जांच शुरू नहीं करवाई तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इधर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर मणिगोपाल राजू ने कहा है कि वो 20 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेंगे। 20 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो, उसके पहले मेरे को सारी बावड़ियां चाहिए। लेकिन सर, आज तो 16 तारीख हो गई है। वो मेरे को मालूम नहीं है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले के सारे बेरोजगार किसानों मजदूरों को काम पे लगाओ, आंगनबाड़ी की औरतों को लगाओ, जरूरत पड़े तो PWD के सारे कर्मचारियों से खुदाई करवाओ, लेकिन मेरे को 19 तारीख तक सारी बावड़ियां चाहिए। कलेक्टर सर, बोलिए सर। यस सर, यस सर, हाँ अभी बिल्कुल जी हो जाएगा सर, डोंट वरी सर। ओके सर। फोन फोन बज रहा है, अभी कौन फोन कर सर तुम्हें? हेलो
हाँ साहब। अरे सर हाँ, मैंने सारा काम देख लिया, सेकंड स्टेप का काम पूरा हो गया जी। नहीं इसे हाँप नहीं रहे, वो जॉगिंग कर रहे थे। हाँ 19 तारीख तक सारी बावड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। हाँ हाँ में सही लिखा था, पानी वाकई मीठा है।